अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिजवान एंड द किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 कप गाजर जूलियन कट कर लेंगे, दरमियानी साइज प्याज, 1 कप श्रेडेड चिकन, 1 कप चिकन स्टॉक, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप हरी प्याज, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक। सबसे पहले चाउमीन सॉस बनाएंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1/2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे। चाउमीन सॉस तैयार है, इसको हम साइड पे रख देंगे। पहले हम ऑयल डालेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च, इसको हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा सौते करना है। सोया सॉस, इनको सौते करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसको मिक्स कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पे रख देंगे। उबलते हुए पानी में हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसमें हम नूडल ऐड करेंगे, 5 से 7 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। ये देखें, नूडल्स हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब बॉयल नूडल्स को हम मसाले में ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें चाउमीन सॉस ऐड करेंगे, चिकन चाउमीन हमारा तैयार हो चुका है।